नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वानी प्लान गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं कैलेंडुला फ्लावर्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये विंटर फ्लावर्स में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होते हैं, कलर भी डिफरेंस होते हैं, बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। और इनकी बात करूँ तो फ्रेंड्स ये जैसे गेंदे के फ्लावर होते हैं उन्हीं के तरीके होते हैं, बट जो इनकी लीव्स होती है थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं और डिफरेंस कलर भी होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ प्लांट मेरे जो हैं ग्राउंड पे लगे और कुछ मैंने हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं कैलेंडुला के जो फ्लावर होते हैं, आप देख सकते हैं। और अभी इस तरीके से कलियाँ भी आ रही हैं और कुछ फ्लावर भी खिल रहे हैं। अगर जो ग्राउंड पे प्लांट लगा होता फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। और मैंने ये देखिए हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है फ्रेंड्स इस तरीके से। और फ्रेंड्स मैंने ये हैंगिंग बास्केट ऑनलाइन मंगाया था, इसके मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दोनों दिखाया हुआ था, तो आप जाकर मेरी वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस भी मिलता है। तो फ्रेंड मैं कैलेंडुला फ्लावर्स की बात करूं तो कैलेंडुला जो फ्लावर होते हैं इसके डिफरेंस वैरायटी डिफरेंस पैटर्न में आते हैं, आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। आपको जो कलर और जो साइज चाहिए आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। और इनकी जो प्राइस होती है फ्रेंड्स 35-30 ऐसे ही मिलती है, लेकिन आपके यहाँ के अकॉर्डिंग नर्सरी वाले जैसे देते हैं महंगा या सस्ता। अगर क्या होता है ना, कभी फ्लावर खिले हुए होते हैं तो वो फ्लावर थोड़े से महंगे मिलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मिट्टी में बता रहा हूँ, इस तरीके से मिट्टी मैंने बनाई हुई है जो हैंगिंग बास्केट में बनानी होती है। थोड़ी सी क्या होता है मिट्टी हल्की होनी चाहिए, हल्की मिट्टी बनाने के लिए आप कोकोपीट जरूर यूज़ करें, मिट्टी का कम यूज़ करें, क्योंकि हमें जो हैंग बास्केट होता है उसको हैंग करना होता है तो थोड़ा सा वेट कम ही होना चाहिए। तो जो मिट्टी की मात्रा होती है उसको थोड़ा सा कम ही करिए, बाकी आप कोकोपीट है और कंपोस्ट है इन सबको आप ज़्यादा कर दीजिए। मिट्टी की थोड़ी सी कम मिट्टी डालने से आपकी जो हैंगिंग बास्केट होती है थोड़ी सी हल्की रहती है। और अगर आप किसी भी पॉट में लगा रहे हो जो आपको ग्राउंड पे रखना है तो आप उसको मिट्टी आप जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन हाँ आप अगर मिट्टी बनाते हैं विंटर फ्लावर्स के लिए यानी कि जो हमारे कैलेंडुला के प्लांट है तो उसकी जो मिट्टी वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसकी ड्रेनेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी ड्रेनेज बनाने के लिए आप रेत का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी जो सेंड रिवर सेंड होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये छोटा सा पौधा था, एक मतलब क्यारी में लगाया गया है और देखिए इस तरीके से खिला हुआ है। और अभी जो क्यारी में कुछ पौधे लगे हुए हैं उसकी सिंचाई इस तरीके से की गई है, तो हफ्ते में एक बार इसकी सिंचाई कर दी जाती है जितने भी पौधे क्यारियों में लगे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, येलो ब्राउन करके बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी मेरे फ्लावर्स विंटर्स के हैं सारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी भी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, अगर आपके यहाँ ग्राउंड है तो ग्राउंड पे लगा दीजिएगा, वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं और अच्छे से खिलते भी हैं। और अगर आप इसको छोटे से पॉट में लगाएंगे जैसे हमारे यहाँ डिब्बे होते हैं वेस्ट पड़े होते हैं, आप उसमें भी लगाएंगे छोटे से कंटेनर में, तब भी आपका ये प्लांट लग जाता है, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं मोटे होते हैं बस ज़्यादा बड़ी नहीं होती इनके रूट्स, तो आप इजीली किसी भी छोटे से डिब्बे में लगा सकते हैं या छोटी सी बास्केट है उसमें भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान दें कि जिस पॉट में या बास्केट में हम लगा रहे हैं उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें सॉरी प्लांटर होते हैं अगर उसमें पानी भरे रहेंगे तो फिर हमारा प्लांट जो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से पौधे गलने लगते हैं और हमारे पौधे मरने से लगते हैं। तो जब भी आप प्लांट को लगाते हो तो उसकी ड्रेनेज ज़रूर चेक करके आप प्लांट को लगाएं, ताकि जो हमारा कैलेंडुला का प्लांट है अच्छे से चल सके और पूरी सर्दियां इस तरीके से फ्लावरिंग कर सके। और फ्रेंड्स समय समय से क्या होता है हम लोगों को, अगर जैसे फ्लावर ये खिल चुके हैं, अगर आपको लंबे समय तक फूल चाहिए होते हैं इसमें, तो जैसे फ्लावर खिल के मुरझाने लगते हैं तो मुरझाए हुए फूलों को पिंचिंग करते रहने चाहिए, ताकि हमारे जो नए बड्स आ रहे हैं वो जल्दी से आ सकें और फ्लावरिंग हो सके। अगर आप बीज चाहते हैं तो आप उस फूल को रहने दीजिए, मर जब तक वो मुरझाएंगे बीज बनेंगे अच्छे से, तो आप बीज भी कलेक्ट करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए।
और फ्रेंड्स एक ही फूल से एक ही पौधे से आपको ढेर सारे बीज मिल जाते हैं। इनके बीज देखने में थोड़े से अजीब रहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं अगर इनको बीज से ग्रो करते हैं तो। लगाने का टाइम आपको पता ही होगा सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग की जाती है, तो अगर आपके पास अगर सीड रहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और ढेर सारे कैलेंडुला के प्लांट पा सकते हैं अपने गार्डन में, लगा के शोभा बढ़ा सकते हैं उसकी। फ्रेंड्स जितने भी विंटर फ्लावर्स होते हैं इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं, आप इनको क्योंकि लंबे टाइम तक ये फ्लावर्स नहीं रहते हैं, आप इनको किसी भी छोटे से कंटेनर में किसी में भी लगाओगे तो लग जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे लगाते हैं तो ग्राउंड की बात ही अलग होती है, वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है, उनकी जो जड़ें होती हैं प्रॉपर फैलती हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इस समय आप तैयार न करते हुए नर्सरी से पौधे ला के लगा सकते हैं और खिले हुए पौधे भी मिल जाएंगे आपको, नर्सरी छोटे छोटे पौधे भी मिल जाएंगे जिसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स मार्च तक होती है, लास्ट मार्च या अप्रैल तक होती ही रहती है, हमारे यहाँ पर जो फ्लावरिंग होती है थोड़ा सा लेट होती है, तो इसकी फ्लावरिंग फ्रेंड्स मई तक होती रहती है हमारे यहाँ पे, तो उसके बाद में हम सीड कलेक्ट करके रखते हैं और नए नए पौधे आते रहते हैं, तो इसी वजह से हम लोग सीडलिंग थोड़ा कम ही करते हैं। और अक्सर क्या होता है बरसात के टाइम पे सीडलिंग करते हैं तो पानी भरने की वजह से मेरे सीड जो सीडलिंग होते हैं ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बारिश लगातार होती रहती है तो सीड नहीं ग्रो हो पाते हैं, वो उसी में गल जाते हैं, तो फिर इसी वजह से हम लोग पौधे नए लाते हैं लगा लेते हैं सर्दियों में। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। सो फ्रेंड आप इसको ला के अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और येलो कलर की मैं बात करूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आंखों को सुकून मिलता है, तो आप इस प्लांट को ला के लगा सकते हैं। सो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। सो फ्रेंड मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो नए प्लान नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।